नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। शरद पूर्णिमा का पर्व आज चांद की किरण से होती है अमृत की वर्षा। हिंदू धर्म में ऐसे कई त्योहार हैं जिसमें शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। शारदीय नवरात्रों के समाप्त होने पर शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और धर्म तथा परोपकार के कार्य में लगे लोगों को आशीर्वाद देती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं में चमकता है और पूरी रात अपनी महिमा की चांदनी से पृथ्वी को रोशनी देती है। मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की इस रात को चंद्रमा की शीतल चांदनी के साथ ही आसमान से अमृत की भी वर्षा होती है। मिथिला में इस पर्व को कोजागरा नाम से जाना जाता है। नव विवाहित कन्याओं के लिए यह विशेष उत्सव का दिन होता है। धर्मशास्त्र ग्रंथों के अनुसार महालक्ष्मी की पूजा शारदीय पूर्णिमासी को विशेष पुण्य धन सुख समृद्धि एवं लाभ देने वाली होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि का स्वामी चंद्रमा होते हैं। पूर्णमासी के रात्रि काल चंद्रमा अपने पूर्व अंश पर होते हैं। शारदीय सर्दी खांसी एवं कफ विकार से प्रभावित लोगों के लिए चंद्रमा की उपासना विशेष रूप से लाभकारी होता है। शारदीय पूर्णिमासी उन सभी लोगों के लिए विशेष पुण्य लाभदायक होता है जो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की रात्रि में गिरने वाले ओस में विशेष औषधीय गुण होता है जो मनुष्य के शरीर में कफ विकार को दूर करता है। दमा अस्वस्थमा से प्रभावित लोगों को चाहिए कि देसी गाय के दूध से बनी पायस अर्थात खीर को पूरी रात ओस में डाल कर रखे और प्रातः काल उस खीर को खाए। यह प्रक्रिया आयुर्वेदिक गुणों के साथ साथ आध्यात्मिक कलम देने वाली होती है। रात्रि जागरण और रात्रि काल भागवत भजन नाम स्मरण अपरिमित लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कारक होता है। फलित ज्योतिषाचार्य अविनाश शास्त्री ने बताया कि 9 अक्टूबर को कोजागरा व्रत व शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है और इसी दिन से कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।